आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे SSC CHSL 10 प्लस 2 भर्ती 2019 के बारे में। तो दोस्तों, अभी जो आप लोग का स्टेटस एडमिट कार्ड डाउनलोड आप लोग जो कर पाएंगे, जो कि आप लोग को बताना चाहूँगा टायर 1 एग्जामिनेशन के लिए आप लोग का स्टेटस एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। तो स्पेशल आप लोग को बताना चाहूँगा अभी जो है बिहार के लिए आप लोग कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे और UPU के लिए स्पेशल बिहार के लिए आप लोग को बता रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग को बताते हैं। तो सबसे पहले जो हमें ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा ssc.nic.in पर। तो वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। वेबसाइट में जैसे आएंगे उसके बाद आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे जैसा कि देख पाएंगे एडमिट कार्ड लिखे हुई है, यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे इस प्रकार पेज खुल के आ जाएंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे हम लोग को खोजना है स्पेशल बिहार UPU के लिए हम लोग को CR खोजना है, यानी कि सेंट्रल रीजन। इसमें देख पाएंगे इस जगह हम लोग का दी हुई है, तो इसमें जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा जो है ऑफिशियल पोर्टल खुल के यहाँ पे सामने आ जाएगी इस प्रकार। उसके बाद आप लोग को बताना चाहूँगा दोस्तों, आप लोग जो है साइड में इस जगह देख पाएंगे बताया जा रहा है क्या, डाउनलोड एडमिट कार्ड, इस जगह देख पाएंगे इस जगह। तो इस जगह जैसे क्लिक करेंगे तो और एक पेज जो यहाँ पे खुल के आएंगे कुछ इस प्रकार। उसके बाद आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टेटस, जैसे कि हमने अभी टाइटल बार में लगाए थे थंबनेल पे, सेम यहाँ पे जो है लिंक आ गई है। इस लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो कुछ इस प्रकार से पेज खुल के आ जाएंगे। फिर सबसे नीचे आप लोग देख पाएंगे उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए यहाँ पे आप लोग का दी हुई है। तो उसके बाद क्या करना होगा दोस्तों, हमें जो यहाँ पे प्रोसीड नाउ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फाइनल जो है हमें जो यहाँ पे पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग तीन तरीके से यहाँ पे जो है अपना स्टेटस एडमिट कार्ड यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन जो दोस्तों यहाँ पे देख पाएंगे, आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे इस जगह और फिर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे एग्जाम सिटी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो है प्लस कर देंगे। उसके बाद सर्च जैसे करेंगे आप लोग का, यहाँ पे जो आप लोग का स्टेटस आप लोग का एडमिट कार्ड आ जाएगा डाउनलोड होके। फिर दोस्तों आप लोग को बताना चाहूँगा, यदि आप लोग के पास जो है रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोग भूल गए हैं तो आप लोग रोल नंबर से भी यहाँ पे आप लोग का कर सकते हैं। रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और एग्जाम सिटी डाल के यहाँ सर्च कर सकते हैं, आप लोग का PDF के रूप में आ जाएगा स्टेटस एडमिट कार्ड। तो बात करेंगे तीसरे नंबर ऑप्शन की, यदि आप लोग के पास रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर दोनों भूल गए हैं, याद नहीं है, तो दोस्तों आप लोग जो अपना नाम, खुद का नाम और जो आपके पापा का नाम और डेट ऑफ बर्थ और आप लोग का जो एग्ज़ाम सिटी यहाँ पे डाल के सर्च कर सकते हैं। जब आप लोग का नाम डालेंगे तो आप लोग का जो है जो नाम का चार अक्षर है वही लिखेंगे, जैसे आप लोग का नाम यहाँ पे राजीव है, राजीव, ठीक है, राजीव, तो फिर आप लोग ये दो अंक नहीं लिखेंगे, चार ही अंक लिखेंगे, आपका नाम का भी और आपके फादर्स का नाम का भी, चार अंक ही, ठीक है। उसके बाद सर्च करेंगे तो आ जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग को बताना चाहूँगा, इस जो पेज देख रहे हैं इस पेज का डायरेक्ट लिंक आप लोग को जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे हमने दे दिए हैं, वहाँ से जाके आप लोग इस लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आ जाएंगे, फिर आप लोग अपना अपना चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों आशा करूँगा वीडियो आप लोग को यूज़फुल लगा, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ इसी तरह और भी जानकारी पाने के लिए।